राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय बाबा मोहन राम की। कैसे हैं आप सभी? आशा सब कुशल मंगल होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बाबा मोहन राम जब अपने भक्तों को संकेत देते हैं, अब वो अच्छे बुरे का संकेत है, मतलब अच्छे समय का संकेत है या बुरे समय का संकेत है, आपके ऊपर कोई बाधा आने वाली है या आपका अच्छा समय आने वाला है, वो संकेत किस प्रकार के होते हैं और वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना और हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना और आगे ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर और सबसे पहले मिल सके। तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत, जिसमें हम बताएंगे बाबा मोहन राम के वो संकेत जो आपको बताते हैं आपका बुरा या अच्छा समय। हमने ऐसे कई संकेतों के बारे में सुना है, जैसे कि हमारे मतलब बड़े जो लोग होते हैं, बड़े बूढ़े लोग होते हैं, वो हमें बताते हैं कि अगर हमारे हाथ खुज जाए तो हमारे पास पैसे आने वाले हैं, हमारी आँख फड़कती है तो कुछ बुरा होने वाला है, दूसरी आँख फड़कती है तो कुछ अच्छा होने वाला है। ये सारे संकेत भी सच होते हैं और ये मेरा मानना है, पता नहीं दूसरों के लिए है या नहीं, पर मेरे साथ हुआ है और सच है तो ये मेरा मानना भी है। तो वही संकेत हमें बाबा मोहन राम भी देते हैं अलग अलग तरीके से, तो उन संकेतों के बारे में ही आज हम जानने वाले हैं। तो अगर आपकी जो उल्टी आँख होती है, दाई आँख होती है, अगर वो फड़के तो आप इसका मतलब होता है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, और अगर वही सीधी आँख आपकी फड़के तो उसका मतलब होता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। जैसे कि कभी होता है कि नौकरी लगने वाली है, अगर आपकी नौकरी लगी हुई है तो आपका प्रमोशन होने वाला है, यानी कि आप बड़े ओहदे पर पहुंचने वाले हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। और अगर दूसरा संकेत हम आपको बताएं तो अगर आपके हाथ खुज जाता है तो उससे ये होता है कि ये भी अच्छा संकेत होता है, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास पैसे आने वाले हैं, कमाने वाले हो, या तो आपका कोई उधार चुका देगा, या आपकी नौकरी लग जाएगी, या आपके पास वैसे ही कहीं पैसे आ जाएंगे, लॉटरी लग जाएगी, कुछ भी होगा पर पैसे आ जाएंगे। और ये जो संकेत होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके सुबह आपका हाथ खुजाया और शाम को आपके हाथ में पैसे आ गए, ऐसा नहीं होता। थोड़ा समय लगता है, कभी कभार ऐसा हो भी जाता है, पर थोड़ा सा कभी समय भी लगता है। तो ये जो संकेत होते हैं, आज चलो इन्हीं के बारे में पूरी तरह से डिटेल में जानते हैं। ये जो दो संकेत मैंने आपको बताए, अच्छे और बुरे के, ये भी संकेत होते हैं, और अगर आप बाबा मोहन राम की पूजा करते हैं तो यही मान लो कि बाबा मोहन राम आपको ये संकेत देते हैं। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि मैं आगे भी और संकेत बताऊंगी, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वो मेन होने वाले हैं और ये तो नॉर्मली ज़्यादातर सभी को पता होते हैं पर पूरी तरह से किसी को नहीं पता होता। तो मैं आपको ज़रा ध्यान से सुनना कि अगर आपकी उल्टी आँख फड़कती है तो इसका मतलब है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, और अगर आपकी सीधी आँख फड़कती है तो इसका मतलब है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। और अगर आपका सीधा हाथ में खुजली होती है तो इसका मतलब है आपके पास पैसे आने वाले हैं, और अगर आपके उल्टे हाथ में खुजली होती है तो इसका मतलब ये है कि आपके पैसे या तो कहीं अटक जाएंगे या कहीं खर्च हो जाएंगे, बड़ी चीज़ में ज़्यादा पैसे, या कहीं पर डूब जाएंगे, मतलब बेकार ही चले जाएंगे। तो इस तरह से ये अच्छे और बुरा का संकेत है, आँख का फड़काना और जो हाथों में खुजली होना। इसके बाद एक और संकेत है जो बाबा मोहन राम हमें देते हैं, जो जब हम पूजा करते हैं, हम बाबा मोहन राम की पूजा कर रहे हैं, मंदिर में आरती कर रहे हैं, मंदिर में बैठे हैं और हमारे घर में कोई मेहमान आ गया, तो ये अच्छा है या बुरा? ये अच्छा संकेत होता है। इसके अलावा जब हम बाबा मोहन राम जब हमारी अपने भक्त की परीक्षा लेता है तब भी वो संकेत देते हैं कि वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें बताते हैं कि ये तेरी परीक्षा है और इसे तुझे पार करना है, तब भी वो हमें संकेत देते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी है, अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे और अगर आप वीडियो देखना चाहें तो वीडियो भी मिल जाएगा, अगर आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में JVMR ग्रुप में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ऑलरेडी अपलोड है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। अगर बाबा मोहन राम आपकी परीक्षा ले रहे हैं तो वो आपके संकेत देते हैं, वो संकेत क्या होगा वो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा बाबा मोहन राम और भी कई संकेत देते हैं, मैंने वीडियो अपलोड करी है, आपको उसी लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी। अगर आप बाबा मोहन राम के भक्त हैं तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखना, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा सहायक रहेंगी।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो के लिए आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और भी लोग हमारे JVMR ग्रुप के साथ जुड़ सकें। और ये वीडियो कैसी लगी ये वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो फिर मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।